दिल्ली में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को लेकर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि यूट्यूब में डाल दो, सब कुछ फ्री ही फ्री हो जाएगा। फिल्म में आप वो देख रहे हैं जो सच्ची कहानी पर आधारित है, लेकिन हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो सच्ची कहानी कैमरे ने रिकॉर्ड की है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने पूरे 4 दिन कश्मीर में बिताकर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की, और ये बिल्कुल टैक्स फ्री भी है। कश्मीर की इस हकीकत में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप आज पहली बार देखेंगे। '1990 के बाद जब इस पूरे मंदिर को खंडित किया गया, तब से लेकर आज तक इसकी हालत और बद से बदतर होती जा रही है। ये भगवान शिव की ये शिवलिंग है, लेकिन चारों तरफ आपको गंदगी दिखाई देगी। ये दास्तान यहाँ पर पूरे कश्मीर के अंदर करीबन 50,000 मंदिरों की भी है। 30 बरस पहले जब कश्मीर में तमाम आशियाने उजड़े, वो सिर्फ इंसानों के नहीं थे, भगवानों के भी थे। कश्मीर के ऐसे तमाम मंदिर हैं जो 1990 के बाद से ऐसे उजड़े कि उन चार दीवारियों में ना ही कभी इंसान लौटे, ना ही भगवान। ये बदरंग तस्वीरें, ये बेजार दरो दीवार, उसी ना लौटने की कहानी कहते हैं। ये श्रीनगर के रैनावारी का नडियार का शिव मंदिर है। शिव की प्रतिमा अब यहां पर शिवलिंग खंडित हो चुकी है, पूरी तरह से जीर्ण हालत में है। यहां पर गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, एक तरीके से टॉयलेट में तब्दील हो चुका है। जो ऊपर पेंटिंग्स थी, जिसमें माँ सरस्वती की पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा शिव जी की है, गणपति जी की है, श्री कृष्ण भगवान की जो पेंटिंग है, वो पूरी तरह से खंडित है। खिड़कियां टूट चुकी हैं, जो यहाँ पर पंखे थे वो टूट चुके हैं। स्वास्तिक का निशान आधा अधूरा रह गया है, और उसके अलावा दीवारों पर अलग अलग चित्र अंकित है। बाहर का जो हिस्सा है, जो मंदिर का प्रांगण था, वह पूरी तरह से तहस नहस है। और ये 1990 के बाद जब इस पूरे मंदिर को खंडित किया गया, तब से लेकर आज तक इसकी हालत और बद से बदतर होती जा रही है। कश्मीर घाटी में कितने मंदिर हैं, इसका सही सही आंकड़ा नहीं मिलता। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। 23 सितंबर 2019 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया था कि घाटी में 50,000 के करीब मंदिर हैं जो बंद पड़े हैं या फिर उन्हें तहस नहस कर दिया गया है। जबकि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के मुखिया संजय टिक्कू का मानना है कि घाटी में मंदिरों की संख्या करीब 1100 है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के मुताबिक उन्होंने 2007 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें अर्जी दी गई थी मंदिरों की देखभाल के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए। सर्वे के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा था कि कश्मीर में 464 मंदिर हैं, जिनमें 174 मंदिर तहस नहस हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि मंदिरों की संख्या कितनी है, सवाल ये है कि इन मंदिरों में रौनक कब लौटेगी, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये मंदिर आज भी उजाड़ है। यहां जगह जगह गंदगी फैली है, पूजा पाठ तो छोड़िए, बरसों से यहां सफाई तक नहीं हुई है। ये श्रीनगर के सौरा का वैचरनाग मंदिर है, ये पुराना शिव मंदिर है, और यहां पर पहले लोग आकर विचार करते थे। नाग मतलब यहां पर वो तालाब है, और शिव जी की प्रतिमा वाला ये पौराणिक शिव मंदिर है। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया। यहां पर जो प्रतिमा थी भगवान शिव की, वो खंडित हुई। उसके अलावा जो सामने वहां पर हवन कुंड और दुर्गा स्थान था, वो पूरी तरीके से खंडित हुआ। अब यहां पर चारों तरफ पानी है, तालाब में पानी है, यहां तक कि मंदिर के अंदर पानी भरा हुआ है। शिवलिंग जो है वो खंडित तौर पर यहां के केयरटेकर ने उसे संभाल के रखा है, लेकिन वो पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हालत में है। 1990 में जो कुछ हुआ वो तो बरसों पहले की बात है, लेकिन ये मंदिर अब तक आबाद नहीं हुए तो उसके पीछे कश्मीरी पंडितों की वो नाउम्मीदी छिपी है, जिसकी वजह से इन मंदिरों में वीरानगी है। लेकिन श्रीनगर के विचरनाग मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी देखरेख एक मुस्लिम करता है। श्रीनगर के आसपास लंबी संख्या है उन मंदिरों की, जो कि एक्सोडस के टाइम पर, जिसे
आतंकियों ने पूरी तरह से खंडित किया, तबाह किया। इसीलिए सरकार अब चाहती है कि कश्मीरी पंडितों के वापस आने के साथ साथ ये मंदिर, जैसे खीर भवानी को दोबारा से सुसज्जित किया है, इसी मंदिरों को दोबारा से ठीक किया जाए। ये मंदिर अपने आप दर्द की कहानी बयां करते हैं। कश्मीरी पंडितों ने जो भुगता, उसके साथ साथ इन मंदिरों ने भी कम नहीं भुगता है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि सांप्रदायिक सौहार्द की यहाँ पर एक और तस्वीर है। इस मंदिर के जो केयर टेकर हैं वो कश्मीरी मुस्लिम हैं और वो इसका रखरखाव पूरे अच्छे तरीके से करते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर उपद्रव कभी ना मच सके। आशियाने के उजड़ जाने से ज्यादा खतरनाक होता है उम्मीदों का उजड़ जाना। घाटी के तमाम मंदिरों में और उसके आसपास इलाकों में कुछ ऐसा ही नजर आता है। इन मंदिरों के आसपास कभी कश्मीरी हिंदुओं के तमाम परिवार रहते थे, पंडितों की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। अब यहाँ मुश्किल से कोई कश्मीरी पंडित मिलता है। अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है, लेकिन श्रीनगर के सफाकदल का ये राम मंदिर है जहाँ पर इस समय ताला लगा हुआ है। 1990 की टीस लिए ये राम मंदिर अब बुरी हालत में है। ठीक सामने यहाँ पर जो दीवार है वो टूटी हुई है, ट्रांसफार्मर है उसके नीचे कूड़ा है, मेन जो एंट्री गेट है वो यहाँ के लोकल गार्डियन के तौर पर केयर टेकर हैं जो कि इसका रखरखाव करते हैं। बाहर यहाँ पर एक वेंडर की गाड़ी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है और अंदर ये तस्वीर है श्रीनगर के सफाकदल के राम मंदिर की, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है। लेकिन अब राम मंदिर के तौर पर 1990 का दर्द लिए ये पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर मंदिर जो है वो खंडित हो गया है, मूर्ति खंडित हो गई है, रामलला जो यहाँ पे विराजमान थे वो अब यहाँ पर नहीं है और चारों तरफ यहाँ पर अब झाड़ियाँ, गंदगी यही दिखाई देगी। और ये तस्वीर है इस समय श्रीनगर के सफाकदल के राम मंदिर की। श्रीनगर के सफाकदल में जो कुछ नजर आया, कुछ वैसी ही तस्वीर नवाकदल में भी देखी। यहाँ जब हमने कश्मीरी पंडितों के घर और उनके मोहल्ले के मंदिरों के बारे में पूछा तो एक बच्चा हमें इस मुसलमानों की बस्ती के बीच एक मंदिर में लेकर गया जहाँ कोई हिंदू नहीं रहता। इस मंदिर पर ताला लगा हुआ है, यहाँ अब कोई आता जाता नहीं। ये नवा कदल है श्रीनगर के बीचों बीच बसा ये नवा कदल। चारों तरफ यहाँ पर इस समय कश्मीरी मुसलमान रहते हैं, लेकिन 1990 में तस्वीर कुछ अलग थी। यहाँ पर कुछ घर कश्मीरी पंडितों के थे जो कि एक्सोडस के दौरान छोड़कर चले गए, लेकिन ये मंदिर अब ताले में बंद है। हमारे कहने पर जो यहाँ के स्थानीय कश्मीरी पंडित हैं जिनके पास इसकी चाबी है, उन्होंने खोल तो दिया। अब यहाँ पर एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि कभी कभी जब भी कोई ओकेजन होता है वो यहाँ पर आकर साफ सफाई और रखरखाव करते हैं, लेकिन बाहर की हालत अभी भी खराब है। कश्मीर के ऐसे तमाम मंदिरों में एक बार फिर रौनक लौटे, इसलिए केंद्र सरकार इन मंदिरों को पुनर्स्थापित करने का प्लान बना चुकी है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे कई मंदिरों में काम शुरू भी हुआ है जिसमें रघुनाथ मंदिर और शीतलनाथ मंदिर शामिल है। शीतलनाथ मंदिर को तो 2021 में बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोला भी गया था। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर इम्तियाज हुसैन के मुताबिक 15 मंदिरों में रेनोवेशन का काम चल रहा है या फिर पूरा होने के करीब है। ये तमाम कोशिशें इसलिए चल रही हैं ताकि घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए, लेकिन संग्रामपुरा जैसी कई जगहें हैं जहां की खौफनाक यादें अभी भी कश्मीरी पंडितों को लौटने से रोकती हैं। ठीक इसी जगह पर 21 मार्च 1997 में कश्मीर का सबसे पहला मैसेकर हुआ। कश्मीरी पंडितों को यहां से बाहर निकाला गया और 7 की संख्या में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आतंकियों ने जब लगातार गोली बरसाई तो उसमें कई और कश्मीरी पंडित घायल भी हुए। हम उसी संग्रामपुरा में हैं, ये बडगांव का संग्रामपुरा और ये कश्मीरी पंडितों का घर है जो अब महज ढांचा भर भी नहीं बल्कि एक सपाट जमीन में तब्दील हो गया है। घर का नामो निशान नहीं है, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, लेकिन दिल और दिमाग में अभी भी टीस बाकी है। जहां मंदिर था अब वहां पर कुछ भी नहीं है, पत्थर की एक शिला है। वहीं दूसरी तरफ घर वीरान हो चुके हैं, जमीन सपाट हो चुकी है। इसी जगह पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को बाहर निकाला और यहीं पर लाइन लगाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। तब से लेकर आज तक
कोई भी कश्मीरी पंडित जो कि संग्रामपुरा का रहने वाला है वो वापस नहीं आया। 21 मार्च 1997 को बडगाम के संग्रामपुरा में 7 कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था। 7ों को पहले किडनैप किया गया, फिर उन्हें मार डाला गया। उस नरसंहार का जो लोग शिकार बने उन्होंने अपनों को खोया। उनकी आंखों में वो दर्द आज भी नजर आता है। क्या हुआ था, कैसे आए थे, क्या बोला उन्होंने, और जब निकाला तो फिर उसके बाद कहां पे मारा? घर से बाहर थोड़ा नीचे रोड पे निकाला उनको, तो नीचे लिया, नीचे उनको लाइन में किया था, लाइन अप हो जाओ। उनके जो ऊपर से कपड़े लगे थे वो बाहर निकाले थे, गड्डी लगी थी वो भी बाहर निकाली थी, बोला था ये दे दो हमें। फिर वो लोग गड्डी वगैरह साथ नहीं ली थी, वो उधरी गिर गई थी। फिर हम जब पीछे पीछे निकले तो पीछे उन्होंने अंधाधुन हमने आवाज मारी, सीटियां मारी तो अंधाधुन फायरिंग की, तो भाग गए। हमारे लिए ये बहुत कठिन रात थी और ये कठिन दिन भी है हमारे लिए, हम इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स में आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ कुछ घटनाएं हैं। पंडितों के साथ 90 साल पहले और उसके बाद भी काफी अत्याचार हुए जिसकी निशानियां आज भी बिखरी हैं। एक्सोडस शुरू हो चुका था, कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जा रहे थे। ऐसे में जो बच गए थे उनके ऊपर लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश का दबाव बढ़ रहा था। यहां के लोग भी हालांकि उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे लेकिन बंदूक के आगे वो भी झुके। 25 जनवरी 1998 का दिन, गांदरबल का ये वधामा। यहां पर 23 कश्मीरी पंडितों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से 4 बच्चे भी थे। कुल मिला के 24 को गोली मारी गई, एक बच्चा अभी भी जीवित है। उसके मुताबिक ठीक इसी जगह पर कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया। इन घरों से बाहर निकालने के बाद यहीं पर उनको एक एक कर गोली मार दी गई। लश्कर के आतंकी जो कि सेना की वर्दी में थे वो यहां पर रुके, उन्होंने टारगेट किलिंग की, कश्मीरी पंडितों को चुना, बाहर निकाला और एक साथ गोली मार दी। अब उन्हीं कश्मीरी पंडितों के घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यहां पर वो आना चाहते हैं लेकिन कैसे आए, क्योंकि उस हादसे की टीस आज तक उनके दिलों में है। कश्मीर के वो तमाम इलाके जहां कभी कश्मीरी पंडित रहा करते थे, अब वहां पंडितों के घर सुनसान पड़े हैं। आसपास स्थानीय मुसलमान रहते हैं जिनमें से कई परिवारों ने उस वक्त भी पंडितों की मदद की थी और आज भी उन्हें याद करते हैं। 88 आया, 89 आया, ये हो गया गलत, पंडितों के साथ पंडित मरे, उसमें मुसलमान भी मरे हैं, दोनों साइड से गलत हुआ, दोनों साइड से कताल हो गया, कत्ल हो गए तो हो गया गलत, इंसानियत का कत्ल हुआ। पता नहीं इसमें कौन सी एजेंसियां मुलवस थी, उसमें क्या गर्ज था इनका। तो उसके बाद इस वक्त भी हमें अपने भाइयों का दुख है जो यहां से माइग्रेंट होकर बाहर बैठे हैं। यह पुलवामा का सिरनू गांव है। आंकड़े बताते हैं कि 1990 से पहले यहां कश्मीरी पंडितों का करीब 150 परिवार रहता था, अब 15 फैमिली भी नहीं बची है। यह पहलगांव के फोहर का कश्मीरी पंडित मोहल्ला है। कुल मिला के 35 यहां पर कश्मीरी पंडितों का परिवार था, लेकिन 1989 से 90 के बीच में रातों रात वो अपने घरों को छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी यहां के स्थानीय लोगों के साथ एक परिवार अजय जी का रहता है। जिस घर में मैं हूं ये प्रेमनाथ जी का घर है। कुल मिला के 10 की संख्या में यहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते थे। आज ये 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से जर्जर है और हालात बहुत खराब है। इसी घर में उन्होंने बच्चों की शादी की, परिवार का लालन पालन किया। ऊपर मंदिर है, अग्निकुंड है, हवन कुंड है, और यहां पर जो 1989 से लेकर 90 तक हुआ अब उसको कोई भी याद करना नहीं चाहता। चारों तरफ यहां पर इस समय जो यहां के लोग हैं उनकी आबादी है, हर कोई ये चाहता है कि अब सभी अच्छे तरीके से यहां पर रहे, लेकिन टीस 1989 और 90 की अभी भी है। सिरनू गांव में रहने वाली चुन्नी देवी को आज भी सब कुछ याद है, जब पुलवामा के इस इलाके से सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का परिवार सब कुछ छोड़कर जा रहा था तो चुन्नी देवी उस वक्त भी नहीं गई। इलाके के कुछ मुस्लिम परिवारों ने उस वक्त उनका साथ दिया, लेकिन जो चले गए उनकी टीस आज भी इनके मन में है। आज जब वो पंडितों का घर गिनकर बताती है तो उनकी आंखों में अपने पड़ोसियों की कमी साफ झलकती है। हमने
हमने सोचा जब मरना है तो हम मरने के लिए तैयार है, भागने के लिए कभी नहीं। हाँ, अपने घर में मरेंगे हम, और इस वक्त भी हम अपने घर में बैठे। और कुल मिला के कितने परिवार थे यहाँ पे चारों तरफ? हमारा घर कितने थे यहाँ पे कश्मीरी पंडितों? ठहरो, इस वक्त वो है दो घर, उधर है दो घर, हो गए चार, वो है पांच, हम भी दो, सात है यहाँ खारपुरा में, तीन सात्र गए, दो मंगाम गए, का बात 13,14,000 घर मंगाम से यहाँ तक। 1990 में कितने थे समय जब? 1990 में बहुत सारे थे, क्या 60-65 मकान, 60-65 थे, 65 से ज्यादा, 60-65 से ज्यादा भी है, और क्या। जो दर्द कश्मीर के पंडितों ने सहा, वहां के सिखों ने भी उस दर्द को झेला है। 20 मार्च 2000 को चिट्टी सिंहपोरा में सिखों का नरसंहार हुआ। यहां पर एक साथ 35 सिखों को मार दिया गया था। हम इस समय चिट्टी सिंहपुरा में हैं। ये अनंतनाग का वो इलाका है जिसने 20 मार्च 2000 को अपने सामने एक बड़ा नरसंहार देखा। यहां के 35 स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया, कश्मीरी सिखों को एक साथ यहां पर खड़ा किया गया, 17 यहां पर, 18 दूसरे गुरुद्वारे के पास, और एक साथ आतंकियों ने गोलियां मार दी। आतंकी थे और फौजी ड्रेस में आए थे, ताकि फौजी ड्रेस में आए थे, लेकिन अंधेरी रात थी, हमें कुछ पता नहीं है। वो यहां पर कैसे खड़ा किया उन सबको? उन्होंने मतलब लाइन में खड़ा कर दिया, सीधी कतार में खड़ा कर दिया सबको। फिर मेरे हस्बैंड को जब पता चला, जब उन्होंने बोला पोजीशन ले लो आप, जाते हुए भी उन्होंने दोबारा फायर खोला उन बॉडीज के ऊपर कि ये जिंदा न रहे। यहाँ पे उनकी तस्वीरें हैं। क्या क्या नाम था उनका? ये मेरे एक मामा जी थे छोटे वाले, हाँ। अजीत पाल सिंह था, हाँ। और ये बड़े वाले मामा जी थे गुरदीप सिंह। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ चिट्टी सिंहपोरा के सिखों को भी आज तक इंसाफ का इंतजार है। एक दिन पहले इलाके के लोगों ने उन तमाम सिखों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने उस नरसंहार में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कश्मीरी पंडितों का है जिनके सुनसान घर आज भी सूने पड़े हैं। ये सूनापन कब खत्म होगा? कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।